नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको दशमलव भिन्न भी कहा जाता है। देखिए, इसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 0.34 दिया हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है, और इसको कहता है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो इसको हम किस तरीके से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम टाइप फर्स्ट करते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट जो हमारा है वो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि डेसिमल 3 और ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, या देखिए यहाँ डेसिमल 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है हमें ऐसे में कुछ नहीं करना होता। जो जो डिजिट यहां दी हुई है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, और इसके नीचे सिर्फ 9 लिखना है हमें, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ जो संख्या दी हुई है उसको ऊपर लिखना है और नीचे सिर्फ 9 लिख देना है। उसके बाद अगर ये कट रही है तो इसको आप काट दीजिए। देखिए 1/3 ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है 0.45, और इसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, 45 ऊपर लिख देना है और नीचे लिख देना है 99। अब हमें बस देख लेना है ये कि ये क्या कट रहा है। तो देखिए ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 11, ठीक है, 99, यह आपका 5/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आएगा, आपको इस तरीके से सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इस डिजिट को लिख देना है, नीचे 9 लिख देना है, ठीक है। ये तो हमारा पहला टाइप है जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइए सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, आइए टाइप टू देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है 14.73 के ऊपर बार है, ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे उसमें इस दशमलव के आगे, मतलब पहले कोई संख्या नहीं थी, ठीक है, 0 था, लेकिन यहाँ पे संख्या दिख रही है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहां कुछ नहीं करना है, बस 14, इस 14 को यहाँ पे लिख दीजिए, ये 73 है, इस 73 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे 99, मतलब जितनी संख्या उतनी बार 9 आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। बार लगा हुआ है, जितने पे बार लगा हुआ है उतने पे आप उतनी संख्या नीचे 9 कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए 15 को आप यहां पे लिख दीजिए, ये 47 को आप यहां ऊपर लिख दीजिए और नीचे 99 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें यहां पे 15.4 पे सिर्फ बार होता तो यहां पे 4/9 सिर्फ हम लिखते हैं, ठीक है। आइए तीसरा टाइप करते हैं, इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखें यहां पे दिया हुआ है 2.47, ठीक है, यहां पे देखिए 7 के ऊपर बार है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आइए करते हैं, ठीक है। देखिए डेसिमल की इधर 2 है, इसको यहां 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहां 47 है तो यहां ऊपर आप 47 लिख दीजिए। अब देखिए जिस पे बार है वो 9 लिख दीजिए एक बार, और बार के बाद जितनी संख्या है उतनी यहां पे 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए बार के बाद, मतलब बार के अलावा जो संख्या है उसको हमको 47 में माइनस करना रहेगा, ठीक है, बस यही दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा है पिछली संख्याओं से, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे हम तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 43/90, ठीक है। आइए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां पे दिया हुआ है 2.753, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 को यहां लिख दीजिए। अब देखिए ये जो पूरी संख्या है इसको आप ऊपर लिख दीजिए 753, ठीक है, अपॉन जितने के ऊपर बार है उतना आप 9 लगा दीजिए, उतनी बार 9 लिख दीजिए, 2 बार है तो 2 बार 9 लिख दिए। अब बार के अलावा जो बिना बार की संख्या है उस पर आप 0 लगा दीजिए यहां पे, ठीक है, यानी कि 990। अब देखिए उसके अलावा जो संख्या यहाँ पे है उसको हम माइनस कर देंगे 753 में, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, मतलब 746 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, अपॉन 990, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां दिया हुआ 3.72519, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब देखिए जो संख्या है इसको यहां ऊपर लिख दीजिए 72519, ठीक है, जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी संख्या है यहां पे 9 लिख दीजिए, यहां 3 बार 9 हो गया आपका।
अब जो संख्या है बिना बार के है दशमलव के इधर, ठीक है, उसको यहाँ पे जीरो लिख देंगे, दो है तो दो जीरो लिख देंगे, और ये जो 72 है इसको हम ऊपर वाले से माइनस कर देंगे 72, ठीक है। अब इसको फाइनली लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 9 में से 2 गया, यहाँ बचा आपका 7, यहाँ 11 में से 7 गया, बचा आपका 4, और यहाँ बचा 4, यहाँ 72, और अपॉन में आ गया आपका 9900, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।